देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश, ये पब्लिक है सब जानती है। इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। आप अजय सिंह जी नौ स्वदेश के यहाँ पर ब्यूरो हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय से यहाँ पर पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपकी उपस्थिति यहाँ पर हमें अपेक्षित थी और आज हमारे बीच में आप हैं। साथ में दूसरे अतिथि हैं हमारे अनिल त्रिपाठी जी, जो कि रीवा दर्शन के करंट अफेयर एडिटर। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की, यहाँ पर क्या असर देखने को मिल रहा है और इसका आने वाले आगामी चुनाव में क्या असर होगा। एक और जहाँ इन पेट्रोल और डीजलों ने आग लगा के रखी थी, इसके आगे सरकार ने घुटने टेके और आखिरकार उन्होंने 2.5 रुपए कम किया। साथ ही जो भाजपा शासित प्रदेश थे 12 प्रदेशों में भी 2.5 रुपए कम करने के आदेश दिए गए और आज 5 रुपए पेट्रोल डीजल कम है। क्या लगता है कि ये एक राजनीति में आगामी चुनाव को लेकर एक स्टंट है? ये निश्चित तौर पर विजय जी, अभी आनन फानन में जो पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए गए हैं वो निश्चित तौर पर वोट पैदा करने का एक मुद्दा है और मुझे लगता है कि अब देश के अंदर राजनीति जो है तो सिर्फ वोट पैदा करने के हिसाब से चल रही है। जनता के हितों के मामले में सरकार चाहे जिनकी हो, जनता के हितों के मामले में हितों के मामलों की अनदेखी की जाती है और वोट बैंक बनाने के सारे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं इस देश के अंदर। ये जो पेट्रोल आपने कितने का डलाया और आपको क्या लगता है कि पेट्रोल के रेट बढ़े या घटे? पेट्रोल के रेट तो बढ़े, 100 का डलाया। क्या आपको लगता है 100 रुपये तक महंगा नहीं पड़ेगा पेट्रोल? महंगा है, महंगा है। 110 रुपये के नाम से बात चला गया है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको 110 तक जाएगा? लेकिन जो शेयर बाजार और मतलब ये सब सब महंगाई बढ़ रही है तो वो 110 तक जाएगा। सरकार ने भी 5 रुपये रेट गिराए, 5 रुपये गिराया है, लेकिन वो चुनाव के पहले तो इसके बाद बढ़ा देंगे। चुनाव नजदीक है और चुनाव के इन मौके पर इस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करना कितना जायज है, क्या मानते हैं? नहीं, दर को कम करना तो बिल्कुल टोटल जायज है, लेकिन इस दर को कम करने का केवल जो है तो अभी आपको लॉलीपॉप दिया गया है। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह से एकदम से गिरावट और लगातार पिछले दिनों आपने देखा कि हर रोज इन दामों में बढ़ोतरी हो रही थी और एकदम से इन्होंने कम किया? नहीं, आपका कहना सही है और आपने जो ये सीरियल चालू किया है ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक पूरी तरह से समझ रही है कि 5 रुपए जो डीजल पेट्रोल के दाम घटाए गए, निश्चित तौर पे पब्लिक ये मान रही है कि चुनाव का चुनाव के लिए लॉलीपॉप दिया गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं मान रही है। इससे वोट बैंक पे उसका असर नहीं पड़ेगा, पब्लिक ने क्या मूड बनाया है ये तो वही जाने, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पब्लिक अपने ओपिनियन पर यही मान रही है कि केवल उन्हें लुभाने के लिए ये रेट घटाए गए हैं। अभी जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, इसमें बाजार में काफी उथल पुथल मच गई थी, चारों तरफ जो है महंगाई बढ़ गई और सब्जी के साथ साथ और भी रोजमर्रा की चीजें थी उनके भी दाम काफी ऊपर हो गए। विजय जी, ये मैं बता दूं, पिछले एक महीने के अंदर 10 से 12 फीसदी तक महंगाई बढ़ी है। जो मूंगफली 90 रुपए किलो थी वो आज 100 रुपए किलो हो गई, आलू के दाम अभी बढ़ गए, टमाटर जो बाहर से आ रहा माल भाड़ा बढ़ गया, रेट उसके बढ़ गए, निश्चित तौर पर रेट बढ़ गए। किसी भी देश की दशा और दिशा और वहाँ की व्यवस्था जो है तो डीजल पेट्रोल की भूमिका उसमें बहुत अहम होती है। क्या है कि देश का जितना भी संचालन है, ट्रांसपोर्टिंग से ले करके किसान से ले करके आम आदमी से खास आदमी तक जो है तो दोनों की जरूरत डीजल पेट्रोल जो है तो पग पग में बना हुआ है और ऐसी परिस्थिति में
डीजल पेट्रोल जो है तो किसी भी देश व्यवस्था को जब उसके जो है तो रेट हाई होते हैं उस स्थिति में देश की सारी वस्तुएं जो है तो महंगी हो जाती हैं, क्योंकि सबके जो है तो दाम अपने आप बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ जाता है, आपके खर्चे जो है तो एडिशनल बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको आप एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी इस तरह की विडंबनाएँ आती हैं। तो इसलिए देखिए क्या है कि ये जो डीजल पेट्रोल पर राजनीति होती है इस देश के अंदर, हमको तो ये लगता है कि इस पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देखिए आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो रेट है वो मेरी जानकारी में जहाँ तक 36 रुपये बैरल जो है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रेट है, और इसके बाद जो है तो आप वहाँ से ले आने ले जाने का आप जो है तो उसमें जो भी जोड़ना चाहते हो लीगल तरीके से आप उसमें जोड़ करके और उसको जो है तो 36 को 40 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, लेकिन आपने 80-80, 90-90 रुपये कर रखा है। इसमें आपने जो है तो एक्साइज टैक्स केंद्र सरकार लेती है, बैक टैक्स प्रदेश सरकार लेती है, इनके टैक्स को अगर ये कम कर दें, जिस तरह से देखिए इन्होंने टैक्स कम किया है, इन लोगों ने जो रेट कम किया है उसमें इन लोगों ने बैट और उसके टैक्स कम किए हैं, यही टैक्स को अगर ये कम करने की मन बना लें, इसके लिए इनको किसी दूसरे सरकार किसी दूसरे दल की या विपक्ष की कोई मतलब जो है तो आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरे राष्ट्र के अंदर इस समय पर 19 प्रांतों में सरकार है, और 19 प्रांतों की सरकार को की मुख्यमंत्रियों को लेकर के जो है तो ये सरकार अपने आप सक्षम है उस दर को कम करने के लिए और उसको GST में शामिल। जी बिल्कुल, जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में और गिरावट होती तो इसका असर देखने को मिलता है। मुझे ये नहीं लगता कि पहले आप 12-15 रुपए बढ़ा दीजिए, सरकार का काम यही है, चुनाव आने वाले हैं, कुछ तो लॉलीपॉप देने ही है, तो उस हिसाब से 5 रुपए घटा दिया, इतना कोई फ़र्क बढ़ने पे भी नहीं पड़ा था मेरे हिसाब से एक नॉर्मल कंज्यूमर को, और घटने पे भी नहीं पड़ रहा है। कि आप अगर अगर आप 10 रुपए भी इंक्रीज़ आप देखें और पर डे 1 लीटर की खपत है तो उस हिसाब से 300 या 400 रुपए ही फ़र्क पड़ता है एक आम आदमी के ऊपर, तो इतना कोई बढ़ने पे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, घटने पे भी नहीं। पर ये जो घटाने का सिलसिला सरकार ने बनाया है ये सिर्फ एक तरीके से चुनावी लॉलीपॉप है कंज्यूमरों के लिए, और कोई फर्क। क्या नाम है आपका? हिमांशु श्रीवास्तव। नहीं है, अभी बढ़ा देते हैं फिर घटा देते हैं, उसमें फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है आपको घटने से, रेट थोड़ा फ़ायदा हुआ। देखिए अजय जी ने बिल्कुल सही बिंदु पे बात की है, आज की तारीख पे 100% टैक्स लग रहा है, कुल मिलाकर जो पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में आ रहा है वो 43 रुपए प्रति लीटर डीजल आ रहा है जी, पेट्रोल आ रहा है, और यहाँ पे हम आज बेच रहे हैं 5 रुपए घटाने के बाद भी 86 रुपए, तो 100% वो बढ़ गया। तो गवर्नमेंट अगर चाहती तो 6 महीने पहले जब यह हल्ला मचा था अगर तब कर देती तब यह चुनावी स्टंट न माना जाता। मेरे ख्याल से इस बात से अजय जी भी सहमत होंगे। ठीक बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने हिंदुस्तान से एक के पड़ोसी नेपाल है और नेपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में काफी कमी है, ये माने कि अपन हिंदुस्तान में जो रेट है उससे आधा वहां पर है, और इसकी वजह यह है कि वहां पर ये बैट और तमाम जो स्टेट के टैक्स है वो नहीं लगते। विजय जी, नेपाल का तो बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तुलना में जापान में जो डीजल और पेट्रोल की दर है वो आधी है जी। और देखिए नियम ये कहता है कि वहाँ जबकि जापान में रिक्वायरमेंट कम है, और जापान कितना छोटा है आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान की तुलना में बहुत छोटा है और वहाँ रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर दर कम है, और तरीका ये होना चाहिए कि जहाँ पर डीजल पेट्रोल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पर दर कम होना चाहिए, जहाँ कम होती है वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर क्या होगा, हिंदुस्तान से ही नेपाल में जाता है जो डीजल पेट्रोल है, हिंदुस्तान से नेपाल खरीदता है और नेपाल सस्ते दर पर बेचता है, जबकि हिंदुस्तान में ये उछाल मार रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि जब इंडिया में GST लागू हुआ और सब लोगों ने, विपक्ष ने, आम आदमी ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि GST आप लागू कर रहे हो, एक देश एक सरकार एक टैक्स, तो अगर उस वक्त पेट्रोल और डीजल को भी GST में शामिल कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से डीजल और पेट्रोल की कीमत पूरे देश में केवल 28% या 12% लगता था इसको, तो मैक्सिमम 60 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल की रेट से आस नहीं जाती। बिल्कुल, इसको GST से दूर किया गया, यही वजह है कि इसमें मनमाफी तरीके से, हम तो यही कहेंगे कि मनमाफी तरीके से इसमें बैट लगाते हैं और तमाम टैक्स लगाकर इसको महंगा करते हैं।
देखिए इस समय तो बहुत सारी चीजें मनमाफिक ही चल रही है। मैं आपसे देश के अंदर जो है तो रातों रात जो है तो नोटबंदी लागू की जाती है। देश के अंदर जो है तो आपने GST लगाया, आपने जो है तो GST लगाया तो 357 जो है तो संशोधन हो चुके हैं। 365 दिन साल के होते हैं, 357 संशोधन हो चुके हैं, 65 भी हो जाएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग ये तमाम योजनाएं लागू करते हैं उन लोगों की योजनाएं तो ठीक है, योजनाओं में मैं खोट नहीं महसूस करता हूँ, लेकिन योजनाओं को लागू करने की जो इनकी प्लानिंग है वो गलत तरीके से है। प्लानिंग सही होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने नोटबंदी लागू किया है, इस पूरे देश के अंदर आपने जो है तो एक रात के अंदर जो है तो हिंदुस्तान के लोगों को, तमाम लोगों को मैसेज डाल दिया कि आप जो है तो कल से आपको पुराने नोट बदल करके बैंक में डालना है और नए नोट आपको मिलेंगे। और आप ये बताइए कि छोटी सी कोई प्रतिस्पर्धा होती है, उस प्रतिस्पर्धा में जो है तो एक व्यवस्था दी जाती है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले को प्रथम इनाम, उसके बाद दूसरे नंबर को द्वितीय इनाम, उससे कम वाले को तृतीय, और फिर पब्लिक या XYZ पूरी टीम को सद्भावना पुरस्कार देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने GST लागू किया, आपने नोटबंदी लागू किया, तो आपने हिंदुस्तान के एक नंबर के बेईमान के ऊपर पहले कार्रवाई नहीं की। पहले आप एक नंबर के बेईमान पर कार्रवाई करते, फिर दूसरे नंबर के बेईमान पर कार्रवाई करते, फिर तीसरे नंबर के बेईमान पर कार्रवाई करते, तब तक कम से कम इस देश की जनता को संभलने का मौका तो मिल जाता। आपने एक साथ जो है तो पूरे देश की जनता को आपने चोर बना दिया, सारे हिंदुस्तान के लोगों को जो है तो पैसे डालने के लिए विवश कर दिया। उनमें से पता नहीं कितने ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका जो है तो खाना दाना बंद हो गया, पता नहीं कितनी बहू बेटियां जो है तो शादी ब्याह से रह गई। बिल्कुल, आज सारी प्लानिंग गलत है विजय जी, इनकी प्लानिंग गलत। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने योजनाएं बहुत और एकदम से इन्होंने नोटबंदी और फिर GST लागू की, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, आम आदमी के असर जेब में कितना असर पड़ेगा और अब जब चुनाव है तो क्या असर डालने का। देखिए विजय जी, इस मामले में चुनाव में चुनाव भी डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं तो चुनाव भी महंगा होगा, लेकिन मुख्य मुद्दा है आम आदमी का, जिस पर आपके सवाल लगातार चल रहे हैं। आम आदमी इससे काफ़ी खफा है, बहुत ज़्यादा खफा है। निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल के दाम लगातार जो बढ़ रहे हैं, देखिए ठीक 6 महीने पहले मुझे याद है कि 79 रुपये पेट्रोल था, ये बात है फरवरी के महीने की, तब 79-80 रुपये पर लीटर पेट्रोल था, आज 91 रुपये हुआ, 5 रुपये आपने घटा दिया, एक लॉलीपॉप दिया। तो जनता तो पहले से नाराज थी और वो कह रही है कि पेट्रोल के रेट घटा दोगे, आपने हमें लॉलीपॉप दिया है, इस लॉलीपॉप का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कई लोगों ने विजुअल में भी दिया है, कई लोगों ने बयान भी दिए हैं। त्रिपाठी जी की बात जो है तो बिल्कुल मैं उस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन विजय जी मैं आपको एक बात बता दूँ। देखिए क्या है कि ये भारत देश की जनता जो है इसका चरित्र बड़ा खराब है। इस भारत देश की जनता के ऊपर जो है तो 800 वर्ष मुगलों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, और वो दौर जो है वो इस देश की जिस पीढ़ी ने झेला था उस पीढ़ी के अंदर जो है तो राष्ट्र प्रेम था। देखिए आप सकता है उसको ये लगता था कि मेरा कुछ रहे या ना रहे मेरा देश न जाने पाए, उसके अंदर एक चिंता थी, एक भय था, क्योंकि लंबी गुलामी उसने झेला था। और उसके बाद उस पीढ़ी का लगभग अवसान हो चुका है, अब बहुत कम उस पीढ़ी के लोग बचे हैं जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम बचा है। अब तो देखिए क्या है, जो सरकारें आती हैं उनका सिस्टम ये चलता है कि जो खजाना है उसको लुटा डालो खाली कर डालो, अपना इंतजाम करो, पब्लिक को भी तो अपना भी बनाओ। और ये सारा सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम के साथ दिक्कत ये हो रही है कि देखिए जब एक सरकार जाती है और दूसरी सरकार आती है तो वो दूसरी सरकार जो है तो उस खाली खजाने को भरने के लिए हमारे आपके ऊपर इतने तरह के तमाम दुनिया भर के टैक्स लगाना चालू कर देती है कि मतलब हम आप जो है तो परेशान हो जाते हैं। पहले हमको लगता है कि बहुत अच्छी सरकार आई और कुछ दिनों बाद लगता है कि हमने बड़ा गलत कर दिया, हमसे अपराध हो गया क्या। ये सारी जो समस्याएं बन रही हैं, इन समस्याओं के बीच में जो वोट की बात अपन कर रहे हैं, देखिए वोट का मसला क्या है कि यहाँ पर वोट जो है तो अब लोगों के मन में किसी बात को लेकर के जब एकदम से अचानक विरोध पैदा होता है और पूरे देश के अंदर जो है तो उसकी आग फैलती है तो निश्चित तौर पर वोट निगेटिव होते हैं। और इसके परिणाम जो है तो आप लोगों ने मंडल कमीशन लागू होने के बाद बीपी सिंह का आप लोगों ने देखा है कि उनका हश्र क्या हुआ। उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया और मंडल कमीशन लागू करने के बाद जो है तो उनको देश की जनता ने जो है तो बाहर का रास्ता, दिग्विजय सिंह के 10 साल और अब शिवराज के भी 15 साल, अब क्या चौथी बार भी शिवराज।
देखिए क्या लगता है? देखिए पब्लिक के मूड को समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं भाजपा के लिए काफी कुछ निगेटिव सा दिखाई दे रहा है मुझे तो। अजय जी कितना इससे सहमत हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पब्लिक देखिए क्या है कि निगेटिव तो मतलब भाजपा का भी दिख रहा है, निगेटिव जो है तो कांग्रेस का भी दिख रहा है। दोनों को जो है तो बराबर अपराधी मान रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला तो देखिए इस समय STSC का ही दब रहा है। महंगाई उगाई का मुद्दा तो खैर पब्लिक बड़े लंबे समय से झेली रही थी, लेकिन ये STSC का मामला क्या है कि इसने वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ पैदा कर दिया है। अभी जो है कल तक जो है तो हम समाज के बीच में एक साथ रहते थे, हर वर्ग के लोग जो है तो एक दूसरे के बीच में अच्छे अच्छे संबोधन काकी काका से लेकर के तमाम सारी चीजें चलती थी, जात पात का विषय गौण हो जाता था। लेकिन इस समय पर ये विषय जो है तो हमारे घर घर के अंदर, हमारे अगल बगल के अंदर जो है तो एक माहौल इस तरह का पैदा कर दिया है कि मतलब हम एक दूसरे के प्रति जो है तो देश भावना रखने लगे हैं। तो ये जो माहौल पैदा हुआ है इसका निगेटिव निश्चित तौर से अन्य दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा झेलना पड़ेगा। लेकिन उसका कारण ये नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है तो इस देश या प्रदेश के अंदर कुछ किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश प्रदेश के अंदर जितना किया है वो सतत प्रक्रिया है, करना चाहिए और किया है। इसके पहले लोगों ने किया था, फिर भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोच से अलग से किया और बहुत अच्छा किया। ये जो जातिगत समीकरण और इस तरह की राजनीति हो रही, जाति के नाम पर बांटने की राजनीति इस समय वर्तमान में हो रही, तो भाजपा कांग्रेस दोनों पर असर डालेगी और तीसरा मोर्चा कोई उभर कर सामने आएगा। विजय जी बोलिए, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए तीसरा मोर्चा के नाम पर जो है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करती चली आ रही, लेकिन प्रदेश लेवल तक की पार्टी वो आज भी नहीं बन पाई है। उसके जो है तो कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में उसके प्रभाव हैं। वो प्रभाव वाला क्षेत्र आपका बुंदेलखंड है, वो प्रभाव वाला क्षेत्र आपका विंध्य क्षेत्र है, और धीरे धीरे जो है तो उसके मत रेशियो जो है तो कई बार घटे हैं तो कई बार बढ़े हैं। तो तीसरी पार्टी के रूप में देखिए वो नहीं है। सपाक्स जो है तो एक नया संगठन तैयार हुआ है, तो सपाक्स का जब निर्माण हुआ तो उनकी मंशा ये जाहिर नहीं हुई थी कि वो लोग इसको पॉलिटिकल जो है तो स्वरूप देने वाले हैं। उन लोगों ने अचानक उसको पॉलिटिकल स्वरूप देकर के STSC कानून के उसको लेकर के, पदोन्नति पर आरक्षण को लेकर के, कई मसलों को लेकर के सपाक्स खड़ी हुई है। लेकिन एकदम से अचानक जो है तो पब्लिक का मूड क्या हो जाए, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जो है तो इसी के उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने अचानक जो है तो दिल्ली की भागदौड़ सौंप दी और अरविंद केजरीवाल जी वहां पर सत्ता चला रहे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ भी हो सकता है, देश की पब्लिक का मूड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बंटवारे का जो मसला है, आपने जो कहा कि ये जातिवाद और ये सारी चीज़ें जो सामने हैं क्या असर पड़ता है, देखिए हिंदुस्तान के अंदर ये बंटवारे का सिलसिला तो हिंदुस्तान के संविधान निर्माण के साथ चालू हो गया था। जब हिंदुस्तान का संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय पर जो है तो इस हिंदुस्तान के संविधान निर्माण के लिए 150 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, उसका राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। सारे लोग पार्लियामेंट का चुनाव जीत करके आए थे। उसी संविधान का जब पूरा निर्माण हो चुका था, उस बीच में जो है तो भीमराव अम्बेडकर जी ने एक पे फंसा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए संविधान जो है तो अवधारणा में तब आएगा जब हिंदुस्तान के अंदर छुआछूत की बीमारी समाप्त हो जाए। उस समय हिंदुस्तान के अंदर ये कुरीति बहुत ज़्यादा थी और इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने जो है तो संविधान निर्माण कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते जाएं अगर इस समीकरण पे तो ये परिचर्चा काफी और लंबी खींचेगी। हम फिर अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल का है, केंद्र और स्टेट की जो हमारी सरकारें हैं वो क्यों इतना भेदभाव कर रही हैं कि जो रेट घटाने बढ़ाने का काम इनके जिम्मे है वो लगातार इसमें उछाल ला देती है। अनिल जी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि डीजल पेट्रोल के दामों के जो टैक्सेस हैं GST पे अगर आ जाए तो पूरे देश में एक रेट रहेगा। अब मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो वैट तो लगा ही है 1%, इसमें एजुकेशनल टैक्स भी लगा है, इसमें 1% स्वास्थ्य वाला टैक्स लगा हुआ है, इसी तरह से टैक्स लगातार बढ़ते रहे। एक खास बात यह रही कि इसमें डीलर का कमीशन जो है वो तो डीलर का कमीशन भी जो है 3.5 रुपए से ऊपर है, जबकि अगर इसको हम कम करते हैं तो काफी डीलर के कमीशन पर तो देखिए विजय जी ज्यादा बात इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि चूंकि डीलर के कमीशन देखिए उसकी भी अपनी बहुत सारी लाइबिलिटीज रहती है, उसके कर्मचारी रहते हैं, उसके ऑफिस रहते हैं, उसकी बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन भी रहती है, भरपाई रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि उसको तो बहुत ज्यादा देखिए नहीं मिल रहा है, उसको तो दाल में नमक की तरह मिल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए ये डीजल पेट्रोल का सरकार को ही कम करना चाहिए, 16-17 रुपए मिलाकर सरकार को इस पे गंभीर होना चाहिए, GST इस पर लागू होना चाहिए ताकि पूरे देश में डीजल पेट्रोल पर जो ये विजय जी टैक्स का जो मसला है देखिए जो इतना ज्यादा ले रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है
ये गवर्नमेंट जो है तो उसको अपनी जेब नहीं डाल रही है जी। वही पैसा जो पैसा आपसे ये दुनिया भर के टैक्स के रूप में ले रहे हैं, वही पैसा है जिसके आधार पर ये देश के अंदर 500 करोड़ की रोड, 200 करोड़ का अस्पताल, 1000 करोड़ की रेलवे, इतने लाख करोड़ का हवाई, ये जो सब तमाम चारों तरफ घोषित करते हैं और जो तमाम ये सारी चीजों को अमली जामा पहनाते हैं, जो आपको सुविधाएं प्रदान करते हैं, 4 लेन देते हैं, 2 लेन देते हैं, ये वही पैसा सब लगा रहे हैं। अब बात केवल इतनी पत रही है कि आप हमसे पैसा ले रहे हो लेकिन आप जो है उनसे एक झटके में पैसा ले रहे हैं जी बिल्कुल। आप अगर उस झटके को बंद कर दो तो पब्लिक बर्दाश्त कर रही है, रोड टैक्स भी लेते हैं, दोनों तरफ टैक्स चल रहा है। मतलब हम ये देखें कि जिन सड़कों पर हम चलते हैं वो हमें लगता है कि विकास हो रहा है और उन सड़कों का हम टैक्स देते हैं, बराबर दे रहे हैं ना भैया। बैरियर में जो पैसे दे रहे हैं, जो बैरियर लगे हुए हैं, जिन बैरियरों में आप पैसा दे रहे हैं, वो बैरियर का पैसा जो है तो उस बैरियर के मालिक ने उस रोड पे अपनी पूंजी लगाई है। अब आपसे वो बैरियर में किस्तों में वसूल रहा है, उसने थोक में लगाया और फुटकर में वसूल रहा है जी बिल्कुल, तो वो पैसा तो आप ही का लग रहा है। आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से सरकारों ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं, यही माना जा रहा है अब तक की परिचर्चा में यही सामने आया कि ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है जो जनता को और मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा रहा है। अनिल जी और अजय जी, आप हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुए, उसके लिए धन्यवाद। आप नए टॉपिक के साथ फिर हमारे साथ शरीक होंगे। विजय तब तक के लिए विजय जी, मैं आपको इस आयोजन के शुभारंभ की मैं आपको अनंत शुभकामनाएं देता हूँ, जावेद भाई साहब को देता हूँ, अनिल त्रिपाठी भाई साहब को देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने रीवा के अंदर इस कल्चर का आरंभ किया जिसकी रीवा को बड़े लंबे अंतराल से दरकार थी। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मेरा आग्रह है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये आयोजन अनवरत चलता रहे और इसका सिलसिला और बढ़ता रहे। इसी के साथ धन्यवाद जी बिल्कुल। अजय जी शुक्रिया। हम रीवा दर्शन की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों अतिथियों का स्वागत करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और अपने सुझाव भी इस कार्यक्रम को लेकर भेजें। अगर कोई कमी होती है वो अपनी समस्याओं को भी इस कार्यक्रम में दे सकते हैं और हम उस कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नए टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।